और पब्लिकली जो समस्या क्या आ रही है, लोग क्या इसमें बाधा डाल रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पटना मेट्रो का। सब गाइस कैसे हो आप लोग? तो आप लोग तो चौंक गए होंगे हम लोग को देख के, लगभग एक महीने के बाद हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। और ये ब्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा सगुना मोड़ पे मेट्रो का अपडेट दे दें कि अभी तक क्या मतलब प्रोसेस में चल रहा है। तो अभी रात में हम लोग निकले हैं, लगभग 9:30 हो रहा है और 9:30 पे सोचे कि चलो थोड़ा सा अपडेट भी दे दिया जाए और आप लोग से मिल भी लिया जाए। तो इसलिए मौली को भी ले आया हूँ। मौली देखो इधर, देखिए मौली को भी ले आया हूँ और आप लोग से मिलने के लिए भी आया हूँ। और अभी इस टाइम पे हैवी व्हीकल्स जो हैं वो सारे मतलब गुजरते हैं, इस वजह से थोड़ी नॉइज़ की प्रॉब्लम होगी। बट ये रात का कुछ नज़ारा है जो आप देख सकते हो। पटना मेट्रो का काम जो है जैसा था उसी कगार पे है। अभी कुछ आपको यहाँ पर चेंजिंग नहीं मिलेगा देखने के लिए, बट अंदरूनी जो है वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो आप लोग तक मतलब अभी पब्लिकली नहीं दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि वो एक बैग कुछ यूनिक आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। बट अभी फ़िलहाल कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको चेंजेस नहीं मिलेगा देखने के लिए। बट यहाँ की जो व्यवस्था है, थोड़ी सी मेट्रो के बनने से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जाम की समस्या ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आप देख सकते हो जब दिन में गाड़ियाँ गुजरती है तो ये मात्र अब वन लेन का रोड है, चलने का भी रास्ता मतलब बचता नहीं है और बहुत ज़्यादा जाम भी लग जाता है। सगुना मोड़ तो पहले जाम नहीं लगता था, बट अभी बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा है, इस वजह से थोड़ा सा ये समस्या आ रही है। और पब्लिकली जो समस्या क्या आ रही है, लोग क्या इसमें बाधा डाल रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पटना मेट्रो का जो बैरिकेडिंग किया हुआ है। सॉरी अंधेरा आ रहा होगा थोड़ा सा, लाइट वाले एरिया में जाते हैं तब आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस यार, जो पब्लिकली समस्या आ रही है, लोग क्या कर रहे हैं पटना मेट्रो के साथ, मतलब बार बार रेगुलर मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी और डाली थी, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों ने दिया था, बट वो समस्या कभी सॉल्व नहीं हो रही है और वो समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि पटना मेट्रो का जो बैरिकेटिंग है उस पर लगातार लोग जो है मतलब जहाँ भी आपको पटना मेट्रो का बैरिकेटिंग दिखेगा गुलशन, हाँ? वहाँ पर आपको क्या दिखता है? ट्रैफिक तो दिखता है, उसके साथ क्या दिखता है? और उसके साथ आप वहाँ पर देख सकते हो यार, दिखेगा तो नहीं क्लियरली, दिन में कभी दिखाऊंगा आप लोग को, मतलब यार हर एक जगह पर पान खा के लोग थूक देते हैं और उसको साफ करने में मैंने देखा है यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, फव्वारे लगते हैं और जो वहाँ के मैकेनिक हैं जो पटना मेट्रो में मतलब काम कर रहे हैं वो बेचारे कपड़ा लेके पूरा साफ करते हैं थूका हुआ पान आपका। तो ये कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता यार, मतलब अपने ही शहर को इतना गंदा कर रहे हो। और यही थोड़ा मोटो था मेरा वीडियो बनाने का कि यार ऐसा काम मत करो, हर जगह पे आप देख सकते हो यार, गौर से देखोगे, पूरा जूम करके भी बोलोगे तो दिखाऊंगा, पकड़ना मौली को थोड़ा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को जूम करके कि आप लोग को पूरा थूका हुआ मिलेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हो पूरा मतलब पान खा के लोग हर जगह यार, मतलब हर जगह का कहानी है। मैं सगुना मोड़ की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, हर जगह लोग पान खा के थूक दे रहे हैं। और गंदगी तो खैर बोलो मत, गंदगी का तो नामो निशान मिटने वाला नहीं है, जब तक आप खुद को नहीं सुधारोगे तब तक नहीं बदल सकते। तो थोड़ा मोड़ा आप लोग सपोर्ट करो यार, पान खाकर मत थूको प्लीज़। पटना मेट्रो बहुत जल्द बन जाएगा और जो बाहर से पटना मेट्रो में घूमने आएंगे और पटना मेट्रो में ही अगर आप थूक देंगे तो बताइए कैसा होगा, क्योंकि आप जब भी बिहार की लोकल पैसेंजर में ट्रैवल करते हो कभी भी, तो आप लोग ज़रूर देखते होंगे कि एक कोने में पान खा के लोग अवश्य थूक देते हैं, या फिर कोई सरकारी कार्यालय हो उसकी सीढ़ियों पे भी लोग लगातार पान खा के थूक देते हैं। अली बदमाशी कर रहा है, आप देख सकते हो। ए हीरो, अरे। और गुलशन यूपी का है, ये तो आप लोग जानते ही हो। गुलशन भी अभी ब्लॉग नहीं डाल रहा है ड्यू टू आपकी वजह से, आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो। अगर आप सपोर्ट दोगे अच्छे चलिए, आप इस वीडियो पे 19K आप ला दोगे तो आज नहीं, 2-3 के बाद तुरंत मेरे चैनल पर आपको ब्लॉग आएगा, वो भी मेरे घर के साथ। तो चाहते हो तो करवा दो। अभी हम लोग सगुना बस स्टैंड के पास है यार, और बस स्टैंड की भी हालत आप देख सकते हो बहुत ही जर्जर है, यहाँ पर देख सकते हो गड्ढे वगैरह हैं। ये तो खैर होता रहेगा, इसके लिए मैं
पब्लिक को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा और थोड़ी सी मेंटेनेंस की सुविधा वो नहीं है, वो तो सही हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, पान खा के ना थूके। हर सरकारी कार्यालय में भी आप हर कोने में देखोगे पान खा के लोग थूक देते हैं। पान खाना कोई गुनाह नहीं है, बट पान खा के अपने देश को गंदा करना, अपनी मातृभूमि को गंदा करना, ये सबसे गलत बात है। आप पान खाइए बट थूकदान में थूक डालिए। और पटना मेट्रो को बैरिकेडिंग को गंदा आप कर रहे हो, आने वाला समय आएगा तो आप लोग पटना मेट्रो में भी थूकोगे, तो ऐसा मत करिए गाइस। आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़, जब जब मैं ये साफ़ होते हुए देखता हूँ बैरिकेडिंग को, तो बहुत बुरा लगता है कि लोग कैसे थूकों को साफ कर रहे हैं फवारा मार के, और उसमें जितना भी समय मतलब उन लोग का वेस्ट होता है, वो पटना मेट्रो के बनने में अगर वेस्ट होता तो जल्दी पटना मेट्रो बन जाता। यार अभी बिहार में तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब यार बाहर निकलने का मतलब है कि आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, बट जिसको काम है वो तो बाहर निकलेंगे ही। और अभी तो मेरे हाथ यार बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा निकल नहीं रहा हूँ, शॉप जाता हूँ थोड़ा मोड़ा और समय से घर आ जाता हूँ, और अभी बाहर निकलना मतलब ठंड लग जाएगी आपको अगर बाहर निकलोगे तो। ज़्यादा क्राउड भी नहीं है ठंड की वजह से, आप देख सकते हो पेट्रोल पंप पर भी, मतलब रात में जो हैवी व्हीकल्स है वही है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है। और यही कुछ अपडेट है सगुना मोड़ का, और थोड़ी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है बस, और कुछ नहीं, आगे भी अपडेट देते रहूँगा आप लोग को, थोड़ा थोड़ा व्लॉग अभी आते रहेगा, बट अभी बहुत कुछ आप लोग को बताना भी है, शेयर भी करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।